ओम शांति। माप दादा बोले, मीठे बच्चे, विचार सागर मथन कर भारत की हिस्ट्री जोग्राफी और नई दुनिया का संबंध सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएंगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी है जो मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर, तुम्हें धुन लगी है कि विश्व का बेरा जो डूबा हुआ है उसे हम सेल्वेज करें। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाएं, जिससे सभी उन्नति हो। इतनी बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ हो, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब बाप आकर करते हैं। गीत, आखर वह दिन आया आज, ओम शांति। गरीब नवाज आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संबत तो होना चाहिए ना, जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख फलाना मास फलाना संबत है। गरीब नवाज कब आया यह लिखा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सत्यगाद में थे तो उनका भी संबत होना चाहिए ना, उनका फलाने संबत में राज था। गुरु नानक का भी लिखा हुआ कि फलाने संबत में जन्म लिया। संबत बिगर पता नहीं पड़ता। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज करते थे तो जरूर संबत होना चाहिए। इनका संबत माना स्वर्ग का संबत। लक्ष्मी नारायण ने सत्युग में राज किया, किस संबत से किस संबत तक? कहीं तो 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है, कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संबत लिखना होगा। यह भी विचार सागर मथन करना है। पब्लिक को यह कैसे बताएं? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संबत दिखाते हैं? विक्रम संबत दिखाते हैं, बाकी विक्रमांजित संबत कहाँ? अभी तुम बच्चों को अच्छी रीत मालूम है भारत की हिस्ट्री जोग्राफी नई दुनिया का संबत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ यह सिद्ध बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएंगी। और लाखों वर्ष जो लिखा है वो झूठा हो जाएगा। यह बातें बाप आकर समझाते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डायनेस्टी चली, फिर विक्रम संबत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संबत है वो भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष इस्लामी बोधि की व क्रिश्चन भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से भी अपना संबत दिया है। अभी तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे, जो चक्कर लगाए अभी ब्राह्मण बने हैं। यह हिस्ट्री जोग्राफी अच्छी तरह समझाई है। हिस्ट्री जोग्राफी
समझते हो तो संबत भी समझाना पड़े। सीरी के चित्र में संबत लिखा हुआ है। भारत का संबत ही गुम हो गया है। जो पूज थे उनका संबत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संबत शुरू हो गया। देखो अशोक पिल्लर कहते हैं द्वापर में अशोक शोक रहत तो कोई है नहीं। अशोक पिल्लर तो आधा कलम उनकी ये महिमा है। शोक पिल्लर की महिमा नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। मांस मदरा गंद खाते रहते हैं। अभी तुम समझते हो यह बातें सुनेंगे वो ही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। जो वहां थे नहीं जिन्होंने भक्ति पूरी की है वह कुछ न कुछ आकर्षित कह लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्रा भी क्लियर है। संबत भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन का। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। शिव परमपिता परमात्मा शंकर है देवता। दोनों को मिला न सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। कितना नशा चढ़ता है रात दिन यही तात लगी रही कि लोगों को कैसे समझाएं। दुनिया तो समझती है हमने बहुत उन्नति की है। आगे तो इतनी बड़ी महल बिजली आदि कुछ नहीं थे। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहे हैं क्योंकि उन्हों को तो यह पता ही नहीं कि यह आर्टिफिशियल झूठे है। सच्ची उन्नति तो सत्ययुग में थी। तो समझाना है वे अपने धुन में है। तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको हम बाबा के नॉलेज द्वारा सेल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्य नारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं। तुम समझते हो वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ते आए है फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान ही होती जाती है। सीढ़ी उतरती आई फायदा क्या हुआ। सिख लोग का भी मेला लगता है। वहाँ तालाब में स्नान करते हैं। वहाँ गंगा जमुना आदि को नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते। वह अपने तालाब पर जाते हैं। उनका खास प्रोग्राम होता है। कभी सत्ययुग में बातें होती नहीं। सत्ययुग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी। वहां कभी गंगा जमुना में गंद कचरा नहीं पड़ता। वहाँ के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का अंतर है। यहाँ तो बहुत कचरा पड़ता है। वहाँ तो हर एक चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसे होंगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग।
वैकुंठ जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, शांति धाम और निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र निराकारी झार से आत्माएं नंबर वार आती रहती है, जो सत्युग में आने वाली नहीं है। वे पढ़ने के लिए कभी आएगी नहीं, तो हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है। दूसरों को भी समझाओ, चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज किया। राम सीता का भी होना चाहिए, फलाने संबत से फलाने संबत तक इन्होंने राज किया, पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। यह देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक बाप की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं अपने अपने समय पर, हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हो, तब तो सेंटर्स खोलते हैं, समझते हैं कि इस नॉलेज से हम 100 देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर शाहूकार बनाया, बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उनों का भाग्य खोले। वर्ल्ड में हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वो समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो ज़रूर, वर्ल्ड का रचता भी जरूर ही सुनाएंगे। वही नॉलेजफुल है, वह है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचता कह नहीं सकते, निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है। वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, अभी मैं इस शरीर में आया हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी जरूर नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कपड़ा आदि की कोई बात नहीं है, ना अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो एक ही जन्म के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई कराए न सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके। इस भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रलब्ध पाते हैं तो भी बहुत जो पुरुषार्थ नहीं करते उन्हों की तकदीर में नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं, उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल सकती है, यह तो एक ही टीचर है। भल तुम खास बैठ समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक नारायण की कथा सुनाते हैं। तुम अंगे अकरे तिथि तारीख सब सुना सकते हो, कोई कोई सत्य नारायण की कथा सुनाने वाले
नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर यह सच्ची कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते है मन मना बाबा, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। लक्ष्मी नारायण का तो संबंध बता सकते है ना, आओ तो हम आपको समझाएं कि बाप कैसे संगम युग पर आता है। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं किसको, ब्रह्मा मुख वंशावली को, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म की कहानी है, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, पूरी नॉलेज है। सो सुनकर फिर बैठ कर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता है, पूरी नॉलेज थी। फिर ऐसे चक्कर लगाया, ये है सत्य नारायण की कथा। कितनी सहज है, कैसे राज लिया फिर कैसे गवाया, कितना समय राज किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना, सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी, फिर संगम, पर बाप आकर शूद्रवंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते। यह सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सत्युग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो क्या है, बाप ने ये तो कथा सुनाई है ना। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकल जाएंगी, जितना खाद निकलेंगी उतना ऊंच पद पाएंगी। नंबर वन समझते है, बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीत बुद्धि में धारण कर सकते हैं, समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है, घड़ी घड़ी यही सत्य नारायण की कथा सुनाते रहो। वह है झूठी, यह है सच्ची, सेंटर पर भी सत्य नारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनते सुनाते रहो तो बहुत सहज है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए, एक दो में नमक पानी नहीं चाहिए, आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू गंवाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो पद नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, अब तो वह कोई ठौर बताते नहीं, ठौर बताने वाला तो एक ही है। उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मुंह करते हैं तो अपने सत्यानाश करते हैं, ऐसे भी है जो हार खार लेते, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए, ऐसे चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप को निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था हो वह जहाँ भी जाते हैं तो ऐसे ही चलन चलते हैं, खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे तो फिर राय देते हैं, घरग्रस्त में रहो, जब धारणा हो जाती तब फिर सर्विस करना, घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर
ऐसे खराब चलन चलते हैं तो निंदा कराए देते हैं, इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी दाना के लिए मुख्य सार, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्य नारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसे चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी नमक पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पदवा पदम भाग्यवान है। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी वदाया से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को पाते हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार वदाया है। पाप के स्वरूप में हर समय वदाया और शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश के बोल पास विथ आनर बनाए रहा है। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रहे हैं। इसलिए पद्मा पद्म भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। अभी लास्ट में स्लोगन, सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। ओम शांति।